श्री हरि शरणम। सात महर्षि, चार सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहते हैं। और ब्रह्मा जी भगवान के मन से या संकल्प से पैदा हुए हैं, इसीलिए भगवान के ये 25 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के एक दिन या जिसको कल्प कहते हैं, उसमें 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभुव, स्वारुचिष, उत्तम, तामस, रईवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, अध्यक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद का 13वां अध्याय में इसके जो मनुओं के बारे में वर्णन है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी होता है और उसमें एक मनु का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 91वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु अर्थात वैवस्वत का राज्य चल रहा है। भाव है कि 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न हैं। इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 10वां अध्याय 6ठा श्लोक में कहते हैं, महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वार मनवस तथा मद्भावा मानसा जाता जेषां लोक इमः प्रजाः। अर्थात 7 महर्षि और उनसे भी पहले होने वाले 4 सनकादि तथा 14 मनु ये सबके सब मेरे मन से पैदा हुए हैं और मुझमें भाव अर्थात श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा हैं। जय श्री कृष्ण।